तो ये देखे जी, बस ये जी हमारा लोबिया गल चुका है, शुक्र है जी गल गया। देखे जी लुक, देखे जी राजमा की, और आज तो हमने पहली दफा बनाया है वाकई। ये वाला जी लोबिया हमने कभी भी नहीं बनाया, व्हाइट बनाया कभी कभार, है ना? हाँ जी, ये पहली दफा बनाया। आपने खाया कभी? नहीं। लोग कहते हैं कि आप हर दफा कहते हैं कि आप पहली दफा खा रहे हैं, पहली दफा खा रहे हैं, तो क्या आपने पहली दफा खाई होती है कि सच बोल रहे हो या झूठ? सच बोल रहे हैं, ये पहली दफा खाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई जी, आप कैसे हैं? हम सब जी अल्लाह पाक का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं। उम्मीद करते हैं जी आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो भैया दोपहर का वक्त है, तकरीबन 4 होने वाले हैं। तो अभी जी हमने सब ने मिलकर यहाँ पे बैठ कर खाना खाया है, दोपहर का जो हमने रात को चावल बनाए हुए थे वो वाले खाए हैं जी। तो अभी जी खाना बनाना है, खाने की तैयारी भी करनी है, और नमाज सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जी फिर आपके साथ फिर अपनी रूटीन और खाना शेयर करेंगे। और बाजी अभी अंदर है जी, बाजी अभी अंदर है मेरे पास। देखिए जी यहाँ खाना खा के वो सारे जा चुके हैं। आपके साथ सबसे पहले तो मौसम शेयर करते हैं और फिर बाकी अभी रूटीन शेयर करते हैं। और ये देखिए जी, बाजी ने जो रेसिपी बनानी है वो ये राजमा है जी, आज ये भिगो के रखा हुआ है। ये देखिए सुबह से मेरे ख्याल में जी उन्होंने भिगोया हुआ है, और आपके साथ जी शेयर करते हैं मौसम। ये देखिए जी मौसम बहुत खूबसूरत। शहरयार, शहरयार कम हियर, इधर आओ वीडियो बनवाओ। वो देखिए जी प्यारा बच्चा हमारा शहरयार, सामने आओ ना। ये देखिए जी शहरयार अपनी छत पे खड़ा है, और ये देखिए जी इधर मुंह करो, बाय बाय करो। ये बहुत प्यारा बच्चा है जी, माशाल्लाह ब्रिलियंट, और छोटी उसकी सिस्टर भी जी बाय बाय कर रही है। बहुत प्यारे बच्चे हैं जी हमारे हमसायों के, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। आज बाय बाय करो, बाय 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 बाय, थैंक यू अब खेलो, शाबाश। ये बहुत प्यारा बच्चा है जी, मुझे बहुत प्यारा लगता है माशाल्लाह जी। और ये मौसम दिखाते हैं जी आपको, बहुत प्यारी शाम हमारे विलेज की, देखें जी खूबसूरत। ये देखें, और ये देखें जी यहाँ पे आपको धूप नज़र आ रही है साइडों पे अभी, ये देखें। और यहाँ पे जी सारी ग्रीनरी, कोई सामने का व्यू नज़र नहीं आ रहा। तो फिर आज जी फिर अंदर ही चलते हैं, अंदर ही चलते हैं जी, और देखते हैं कि दोनों बाजियाँ किधर हैं और क्या कर रही है। देखें जी अभी कोई खाने की तैयारी नहीं है यहाँ पे, तो बाजियों से पूछती हूँ जी कब तैयारी शुरू करनी है। ये बाजी बैठी हुई है जी, बाजी दूसरी बाजी कहाँ है जी? बाजी बाहर गई है। अच्छा, ये जी लहसुन मेरे ख्याल में गई थी उनको गोडी करने, लहसुन की। दोनों बाजियाँ गई हुई थी, और बाजी अभी भी आई है, खाना खाया तो इधर ये बैठ गई है। तो फिर मैं नमाज पढ़ लेते हैं ना, नमाज पढ़ना फिर शुरू करते हैं। हाँ फिर करते हैं, ठीक है जी। तो अभी भाई ये देखिए जी, मैं यहाँ पे जी प्याज टमाटर और लहसुन वगैरह जी तैयार कर रही हूँ सब्जी के लिए, अपनी रेसिपी के लिए। सॉरी सब्जी नहीं बनानी, रेसिपी बनानी है, राजमा बनाना है जी आज। तो अभी बस इसके साथ फिर हमारा टाइम हो चला है। हाँ जी, पौने पाँच होने वाले हैं। देखे मेरी आंखों में कितने आंसू आ गए, ये प्याजों की वजह से। हाँ ये अच्छे होते हैं। नहीं आप ही मेरे साथ लड़ाई की है बहुत। अच्छा जी, प्याज काटे पहले जी उन्होंने मेरे साथ बहुत सारी लड़ाई की है, तभी मेरी आंखों में देखे थी। मैं तो नहीं करता लड़ाई, आप ही करती हैं। मैंने कौन सी की है बताए? आप उल्टा मतलब लेती हैं आप। ये मुझे कह रहे थे कि तुमने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी, अभी कह रही थी नमाज पढ़नी है। तो अभी बस उसी के साथ फिर मैं वीडियो भी चेक करी थी जो आज अपलोड होनी है। ठीक हो गया, फिर टाइम लग गया था, पता लग गया ना। चलो आपको पता होना चाहिए ना। अच्छा, स्कूल से आके सिर्फ खाना खाया थी, नमाज पढ़ के फिर बस मैंने वीडियो चेक की, और फिर टाइम इतनी जल्दी गुजरता है ना, छोटी दिन छोटे दिन। रात को जी मैंने 9 बजे बिस्तर पर जाना होता है, सुबह जी मैं 5:30 बजे उठती हूँ, और रात को जी मुझे टाइम बिल्कुल सारा दिन नहीं मिलता, ड्यूटी करके सारे काम करके रेसिपी शेयर करके जी रात 9 बजे मुझे टाइम मिलता है आराम करने का। तो मेरी हिम्मत है ना, मुझे अप्रिशिएट क्या करे, बजाइए कि मुझे डाउन करे आप। नहीं नहीं, मैं तो आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। अप्रिशिएट करता हूँ, व्यूअर से पूछ लें। कैसे पता? पता है ना, उनको वीडियो देखते नहीं है। अगर मेरे साथ इतना मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, इसके अलावा तो नहीं ना साफ होते। बेगम साहब ने चूल्हा रख लिया है, आज रेसिपी तैयार कर रही हैं राजमा की। इधर भाभी जो हैं बर्तन धो रही हैं। देखे जी मैंने अपना रेसिपी की जी सारी तैयारी कर ली है, सामान पास रख लिया है। राजमा देखे जी हमने
वाश कर लिए बहुत अच्छे से, और ये देखे जी रेड इसका कलर है। अब हमें नहीं पता जी ये राजमा कौन सी किस्म है, तो आज ही हम बनाते हैं। ये देखे जी एक छोटी डोई मैंने घी ले ली है, सबसे पहले जी घी को डालते हैं, वो डाल लिया मैंने। ये वजह है जी हमारा जीरा साबुत, और ये जी मोटी इलायची, दालचीनी के चंद टुकड़े हैं, और ये तेज़पात है जी। घी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें जी डालूँगी इन खड़े मसालों को। ये है जी एक साबुत गठी लहसुन की, अब जी आप इसे भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि हमारा मसाला जो है वो अगला फ्राई हो चुका है। और इसे जी लहसुन को हम हल्का हल्का जी फ्राई होने देंगे। देखिए जी हमने मोटे मोटे प्याज रखे हैं, और इस तरह जी आप इनको अलग कर लेते हैं, क्योंकि अब इनको डालना है। इसको भी डाल देंगे, और प्याज है जी हमारे दो अदद। अभी मैं प्याज जो है वो हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं कर रहे, बस हल्का हल्का जी बस इनका कलर चेंज करना है। तो अब यहाँ पे डालेंगे जी हम नमक, एक चम्मच नमक है, डालेंगे जी सूख मिर्च, ये आधा चम्मच ही हल्दी, एक चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया, तो भी ये है जी एक चम्मच अदरक, अभी से भी जी डाल देंगे। ये है जी हमारे चार अदर टमाटर, और ये जी हमें इस तरह लंबे लंबे काट लिए, दो दो पीस काट लिए, आप इसको डालते हैं जी। तो अभी बस ये देखिए जी टमाटर डालने के बाद दो बस मेरे चम्मच जो हैं वो इसने हलाए हैं, तो अब इसमें हम थोड़ा सा जी पानी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना ये, ताकि जी हमारा जो प्याज और टमाटर है वो उगाए जाए। और ये देखिए जी मैंने कुकर को बंद कर दिया है, बस ये दो सीटी में जी हम कुकर को फ़ौरन खोल लेंगे, जब तक जी हमारे टमाटर और प्याज डाल देंगे। ये देखिए बस टमाटर आपको चेक करवाते हैं, और मसाला भी चेक करवाते हैं जी। ये देखें जी इसमें अभी थोड़ा सा पानी है, तो सबसे पहले जी हम टमाटर के छिलके उतारेंगे। तो भी ये देखिए जी पानी खुश्क हो चुका है, और टमाटर के छिलके जी हम आराम से उतार लेंगे। तो ये देखिए जी सारे टमाटर के छिलके हमने उतार लिए, और ये जो मसाला है जी अब इसे करेंगे जी बारीक। बस हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, और बारीक भी हो चुका है जी, और घी भी ऊपर आ गया जी। तो अब इसमें डालेंगे जी हम अपना ये राजमा, पानी इसमें डाल देते हैं क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से वाश किया हुआ है। क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगना है, और ये ज़्यादा पानी में जी बड़े अच्छे तरीके के साथ ये जी गल जाएंगे, फूल भी जाएंगे। ये देखिए बस मैंने पानी डाल दिया जी, और तकरीबन आधा जो है वो मैंने कुकर पानी डाला है, क्योंकि इसको जी थोड़ा टाइम भी लगना है, और इसमें फूलना भी है, पानी जी ज़्यादा डालेंगे। इसे वेट लगाएंगे जी 7 से 8 मिनट तक। तो ये देखिए जी चावलों का पानी हमने रख दिया है, और इधर अभी जी वो हमारे राजमा जो हैं वो उनको सीटी लगी हुई है। पानी को उबाल आ चुका है, और एक चम्मच नमक डाल दिया है, मैं डालने लगी को जी दम लगाने लगे हैं। ये देखिए जी चावल हमारे पक चुके हैं, तकरीबन दम लगा हुआ है, और अब हम खोलने लगे हैं जी। वेट ने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया है, तो एक दफ़ा जी हमने दरम्यान में चेक किया था हमारे जो लोबी है वो भी गला नहीं था, तो अब दोबारा चेक करते हैं जी।
हाँ जी लग तो रहा है गल गया। तो ये देखें बस, ये जी हमारा लोबिया गल चुका है, शुक्र है जी गल गया। तो अब इसमें हम डालते हैं जी अपने बाकी के मसाला जी, पिसा हुआ गरम मसाला एक चम्मच आप डाल देते हैं, एक चम्मच जी काली मिर्च पिसी हुई, थोड़ी सी जी कसूरी मेथी डालेंगे खुशबू के लिए, और ये है जी सब्ज़ धनिया, अब ये इसको भी डाल देते हैं जी। धनिया जी तैयार हो चुकी है, और जो ही जी हमारे चावल तैयार होते हैं तो यहाँ पे बनेंगी रोटियाँ। थोड़ी सी आधे के लिए चावल थोड़े बनाए क्योंकि बच्चे कह रहे थे जी कल भी हमने चावल खाए हैं तो आज हम खाएंगे रोटी, तो साथ ही थोड़ी सी रोटी। तो भी भैया देखें जी, बाजी रोटियाँ बना रही हैं और बाजी मीना जो है वो दस्तरखान लगा रही हैं, इनको जी भूख लगी हुई है। चलें जी, और ये देखिए जी रोटियां अब इधर बनाई जा रही हैं। कितनी रोटियां बाजी बनानी है? दो पकानी है। तीन? चार, मेरे हाल में चार रोटियां बनेंगी जी। तो ये देखिए बस रोटियां जी हमारी बन चुकी हैं, जितनी जी हमने बनानी थी। और उधर लगाते हैं जी दस्तरखान लग चुका है जी, और हस्बैंड साहब इधर आके बैठ चुके हैं आज। आज तो आप बड़े टाइम से आके बैठ गए। आप बुलाया तो आ गया। मैंने कहा खाना तैयार है जल्दी आ जाए। तो भी मेरा खाना जी लग चुका है और हम बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। तो आज हम चार बंदे हैं जी, अभी तक तो सीट नहीं आया। तो बाजी डालती है जी खाना और आपके साथ शेयर करते हैं कि आज का स्पेशल खाना चावल रोटी और राजमा के साथ किस तरह का जी बना है हमारा। चावल डाले, कुछ बंदे जी रोटी खा गए, कुछ बंदे चावल खा गए, अभी चावल खाएंगे, बाजी भी चावल खाएंगे, मैं रोटी भी खाऊंगी चावल भी। ये देखिए जी ये मेरे चावल हैं, थोड़े से हैं, मैंने दोपहर को खा लिए, काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ दोपहर वाले पड़े हुए थे। चलो ठीक है। हाँ जी, ये है जी हमारा सालन रेसिपी राजमा के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी ज़बरदस्त, देखिए जी हमारी रेसिपी बहुत शानदार बनी है जी। देखिए जी लुक, देखें जी राजमा की, और आज तो हमने पहली दफ़ा बनाए वाकई। ये वाला जो लोबिया हमने कभी भी नहीं बनाया, व्हाइट बनाया कभी कभार है ना। हाँ जी, ये पहली दफा बना। आपने खाया कभी? नहीं। लोग कहते हैं कि आप हर दफा कहते हैं कि आप पहली दफा खा रहे हैं, पहली दफा खा रहे हैं, तो क्या आपने पहली दफा खाई होती है कि सच बोल रहे हो या झूठ? सच बोल रहे हैं, ये पहली दफा खाने लगे हैं। व्हाइट लोबिया तो हम पकाते रहते हैं ना, वो भी कभी कभार, वो भी कभी तीन साल बाद, पांच साल बाद कभी बनाया, जिंदगी में वो भी दो चार दफा खाया। बिल्कुल, तीन चार साल हो गए नहीं बनाया। हाँ जी, चले जी। ये देखिए व्यूअर्स, हमने जी चावलों के ऊपर अपने राजमा जो है वो डाल लिए। आपको दिखाते हैं जी दोबारा से इसकी लुक, और ये मेरे चावल हैं थोड़े से, ये चार प्लेटें हैं जी और चार ही बंदे हैं। और ये प्लेटों में जी हम सालन डालने लगे हैं जिन्होंने रोटी खानी है। ये देखिए जी ग्रेवी, देखिए जी माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखिए जी ये हमारी रेसिपी रोटी के साथ भी खाई जाएगी। तो ये ले जी बाजी अपने चावल, और ये हैं जी मेरे चावल, थोड़ी सी साथ रोटी भी है, सालन भी है, क्योंकि रोटियां भी जी आधे बंदों ने खानी है, तो टेस्ट करते हैं जी रोटी के साथ भी चावल के साथ भी। आज सलाद नहीं है बाजी कोई भी, कल मूली को नहीं ना। चलो कोई नहीं, बात ऐसे ही खा रहे हैं, कभी कभी वैसे भी खा लेना चाहिए। दही तो मैंने दोपहर को चावलों पे डाल के खा लिया। चलिए टेस्ट करके बताएं व्यूअर्स को। चलिए यार मुझे बातों में लगा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माता का बनना चाहिए था, टाइम नहीं है बाजी। चलिए जी टेस्ट करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हां हां पहली दफा खा रहे हैं, बहुत मजेदार है। व्यूअर्स कहना है कि आप हर चीज पहली दफा ही खाते हैं। तो व्यूअर्स वाकई ये जिंदगी में जी हमने पहली दफा बनाई ये रेसिपी, कभी भी नहीं बनाई, कभी खाई भी नहीं, देखी है लेकिन खाई नहीं कभी। इसके लिए हमारे यही मजेदार, मजेदार। तो व्यूअर्स माशाल्लाह जी बहुत अच्छा खाना बना है, तो रोटी के साथ टेस्ट खा लेते हैं थोड़ा सा। आप ये करना है
चावलों के साथ इतना टेस्ट मुझे नहीं पता चल रहा था, रोटी के साथ उसी पर कमाल लाजवाब, बहुत शानदार मसाले लग रहे हैं। तो भी मैं अक्सर जी नीचे हमारे कमेंट्स आते हैं कि आपने जिंदगी में पहली दफा ही खाई होती है ये रेसिपी, पहले आप बनाते नहीं थे। तो क्योंकि मैं हम पहले वाकई नहीं जी बनाते थे, क्योंकि मैं पहले जी हम सिटी में रहते थे तो वहाँ पे जी इस तरह के खाने नहीं बनते थे। जो चीज़ भी जी हम गोश्त में डाल के पका लेते थे, कभी आलू गोश्त, कभी शलजम गोश्त, कभी टीले गोश्त, और थोड़ा शोरबा लगा लिया, कभी इस तरह जी हम बना के खा, ज्यादा गोश्त पकता है, गोश्त में सब्जियाँ पकती थी। तो ये दालें जी हमारे बच्चे ऐसे कम खाते हैं, और ये लोबिया वगैरह जी इस तरह का जी हम कम ही खाते हैं, लेकिन गाँव में जी हमारे अक्सर यहाँ पे लोग खाते हैं, तो इस वजह से जी अब हम भी बनाते हैं, हमें अच्छी लगती है। अब जब हम खाते हैं तो फिर हम आपको बताते हैं कि आज हम पहली दफा खाते हैं, और बाकी आप चाहो पहली दफा खा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको जी हमारी आज की रेसिपी राजमा चावल रोटी के साथ जरूर पसंद आई होगी। तो आप आपसे ज्यादा चाहेंगे और खाना खाएंगे, हंसते रहो, रिक्वेस्ट होती है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देंगे, और इतना अच्छा खाना खाने पर ये लगा था जरूर शुक्र अदा करें। तो मैं बोले जा रही हूँ ये खाना खाते जा रहे हैं, भूख लगी है। तो आपके घर में ये राजमा बनाए, एंजॉय करें चावलों के साथ रोटी के साथ। तो हमारे जितने भी दोस्त अहबाब बहन भाई जी हमारी वीडियो वॉच करते हैं, और जो नहीं भी करते जी, सबके रिज़्क में अल्लाह पाक इजाफा फरमाए, वो सब कुछ ही तो तंदुरुस्त। आमीन सुम्मा आमीन। तो ठीक है व्यूअर्स, इसके साथ ये इजाजत दें, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।